टाटा स्टील का प्रेजेंट प्राइस 157 रुपये चल रहा है। यदि हम इसकी वर्क प्रोफाइल की बात करें तो टाटा स्टील लिमिटेड इज एशियन फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी सेटअप इन 1907। टाटा स्टील लिमिटेड 1907 में स्थापित एशिया की पहली एकीकृत निजी स्टील कंपनी है। द कंपनी हैज़ प्रेजेंट अक्रॉस द इंटर वैल्यू चैन द स्टील मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम माइनिंग एंड प्रोसेसिंग आयरन और एंड कोल प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड फिनिशिंग प्रोडक्ट्स। कंपनी की लौह अयस्क और कोयले के खनन और प्रसंस्करण से लेकर तैयार उत्पादों के उत्पाद और वितरण तक इस्पात निर्माण की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में उपस्थित है। द कंपनी हैज़ अ टारगेट इंक्रीज द डोमेस्टिक स्टील मेकिंग कैपेसिटी ऑफ द 30 MMTPA बाई 2025। कंपनी का लक्ष्य 2025 तक घरेलू इस्पात निर्माण क्षमता को 30 MMTPA तक बढ़ाने का है। टाटा स्टील की यदि हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी हैज़ प्रोडक्ट मिक्स इंक्लूडिंग फ्लैट प्रोडक्ट्स सच एज ए हॉट रोल्ड क्वाइल्स, कोल्ड रोल्ड क्वाइल्स एंड मेलमस स्टील एंड लॉन्ग प्रोडक्ट्स सच एज वायर, वेबर फेरोल्स, रोल्स, ट्यूब्स, बेयरिंग एंड वायर एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट कैटल एंड एग्रीकल्चर, ऑटोमेटिव कंस्ट्रक्शंस, कंज्यूमर गुड्स, इनर्जी पावर एंड इंजीनियरिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग का भी उत्पादन करती है। इसके मार्केट पोजीशन की बात करें दको हैज इंक्रीज द मार्केट शेयर्स इन अलॉय वायर्स बिजनेस इन 20%। अलॉय वायर्स में इसने 20% का इंक्रीज का वादा किया है। सपोर्ट हैज इंक्रीज द शेयर्स इन द टू वायर सेगमेंट द ऑटोमेटिव सेगमेंट। डोमेस्टिक मार्केट शेयर्स ऑफ द क्रो क्रू 15% है और द सपोर्ट बाय लीडरशिप पोजीशन सीबीटी विथ 35% मार्केट शेयर होल्डर्स। पिछले साल कंपनी का प्रोडक्शन था 839,000 टन डायरेक्ट इसने आयरन लोहे का प्रोडक्शन किया था और 6,84,000 टन स्टील का प्रोडक्शन किया था और 6,72,000 टन का इसने रोड प्रोड्यूस किया था। इसकी नेटवर्क की बात करें तो द कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क 250+ डिस्ट्रीब्यूटर जिसमें से 20,400 डीलर्स हैं, 100% फ्लीट कवरेज व्हीकल्स ट्रैकिंग है एंड 95% डिस्ट्रिक्ट इंडियन आर कवरेज है। मार्केट है आपका 1,96,303 करोड़, करेंट प्राइस है 157 और हाई जो है इसका 159 है और लो है 102, PE है 102, बुक वैल्यू 72 है, डिविडेंड 2.29% का है, अच्छा है, ROCE 12.6% का है, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 7.28% का है और फेस वैल्यू 1 का है। इसकी अभी हम ग्राफ की बात करें जो आपको ऑप्टर में दिखाई देगा, ये आप पिछले साल देखेंगे कि ये 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और आप सीधे एक साल में देखेंगे कि ये 43% का आपको रिटर्न दिया है जो अभी प्रेजेंट में 150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टाटा स्टील की यदि हम पॉजिटिव की बात करें तो कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग द हेल्दी डिविडेंड पे आउट 35.2%, जो बहुत ही अच्छा बात है। यदि हम इसकी नेगेटिव की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज द क्वार्टरली 0.72%। इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो पिछले 6 महीनों में 0.72% का डिक्रीज किया अपने शेयर होल्डर्स होल्डिंग में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें जो आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट में दिखेगा, फिर आप बीच में माइनस हो जाएगा, फिर प्रॉफिट में, और इसकी यदि हम नेट प्रॉफिट की प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें जो आपको प्लस में फिर माइनस में भी दिखेगी, फिर ये आपको प्लस में दिखाई देगा। यदि हम इसकी नेट प्रॉफिट की बात करें वो आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट दिखेगा, फिर ये आपको माइनस में दिखेगा, फिर ये आपको ये प्रॉफिट में दिखेगा। तो इसका बिफोर प्रॉफिट टैक्स और नेट प्रॉफिट है जो आपको एक हिसाब से चलता हुआ नज़र आएगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। और ये रिटर्न भी अच्छा खासा देता है, डिविडेंड भी अच्छा देता है, जो फ्यूचर के हिसाब से ये बहुत ही बेहतर है। यदि हम इसके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें जो बहुत ही बेहतर है, और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 6%, 5 साल में 15% और 3 साल में 20% है, जो बेहतर है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 11%, 3 साल में 3% और 3 साल में 146% का दिया है, जो अच्छा है। और स्टॉक प्राइस
CAGR की बात करें तो 10 साल में 7%, 5 साल में 25%, 3 साल में 31%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न इक्विटी 10 साल में पिछले से 10 साल में 11% है, 5 साल में 15% है और 3 साल में 20% है और लास्ट आपके लास्ट ईयर में 7% है, जो बेहतर माना जा सकता है और ये कभी फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हम इसकी लाइबिलिटीज़ देखेंगे, कि आपको ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा और इसका कुल जो टोटल एसेट्स है ये भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो ये इसके लाइबिलिटीज़ है, इतना ही इसका टोटल एसेट्स भी है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, कर्ज लेकर यदि आपको प्रॉफिट में है तो अच्छी बात है। नेट कैश फ्लो की बात करें जो आपको पहले तो प्रॉफिट में है, फिर ये आपको देखेंगे कि माइनस में है, फिर प्रॉफिट, फिर माइनस, प्रॉफिट माइनस में ये चलता रहा है। तो ये हर एक साल प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, ये अच्छा बात है क्योंकि ये डिविडेंड भी अच्छा देता है। शेयर होल्डर्स की बात करें तो प्रमोटर्स हैं 33% है, DI 23% है, पब्लिक है 22% और FI है 20%, तो बहुत ही बेहतर है। यदि प्रमोटर्स की बात करें, हमने आपको पहले बताया कि इसके प्रमोटर्स ने अपने शेयर को प्लेस किया है, तो आप देखेंगे कि 2022 में इसने एक 1.55% का इसने अपने शेयर को प्लेस किया, 2023 में भी प्लेस किया, 2023 में इसने अब कुल 3 बार प्लेस किया है। तो